कानपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 2 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का गांजा बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस ने मौके पर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी कंटेनर में 9 क्विंटल से अधिक गांजा लादकर उड़ीसा से हरियाणा ले जा रहे थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों को दबोच लिया। बता दें कि कानपुर देहात पुलिस पंचायत चुनाव के मद्देनजर सतर्क है। जनपद के प्रवेश स्थानों में मुख्य मार्गों पर चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसी के चलते जनपद के मूसानगर थाना क्षेत्र के चपरघटा गांव के पास वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था, तभी पुलिस को मुखबिर से गांजा तस्करों के आने की सूचना मिली। इसी के बाद रास्ते में कंटेनर आता दिखा। पुलिस ने जब कंटेनर रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें करीब 9 क्विंटल 52 किलो गांजा बरामद हुआ। आज थानाध्यक्ष मूसानगर और उनकी टीम ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक गांजा पकड़ा है। इसमें टोटल जो क्वांटिटी पकड़ी गई है वह 9 क्विंटल 52 किलो है, यानी कुल 952 किलो गांजा पकड़ा है इन्होंने, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ से अधिक की है। और इस ट्रक के साथ 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है जो ये माल लेके जा रहे थे। उनसे पूछताछ की गई है। जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये उड़ीसा से सामान ले जा रहे थे और ये हरियाणा में इनको सप्लाई करना था, और इसी बीच में इन्हें पकड़ लिया गया है। इनके पास से 2 मोबाइल, कुछ कैश और ATM, अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनसे अभी और पूछताछ जारी है। अभी अन्य और तथ्य का पता लगाया जा रहा है कि किसको सप्लाई किया जा रहा था, और विवेचना में ये भी पता लगाया जाएगा कि इस सामान का कहां पर है, इनकी खपत किस तरह से होती है, और जो भी तथ्य आगे आएंगे फिर आप लोगों को बताया जाएगा। ये भी पता लग पाया कि कब से काम कर रहे थे, कई बार यहाँ से लेके गए थे? अभी इनका जो पूछताछ में ये इन्होंने बताया है कि इससे पहले भी वो 2-3 बार ले गए हैं, और विवेचना में भी और तथ्य पता चलेगा। पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। पकड़े गए गांजा की कीमत करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस की इस कामयाबी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 10,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने का ऐलान किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अम्बरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।